हेलो गाइस, मैं हूँ शक्ति और आप देख रहे हैं शक्ति इस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको एकदम फ्री में दोस्तों आपको पूल बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, इसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद में। तो दोस्तों, पूल को बनाने के लिए एक मोटा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स चाहिएगा, और इस बॉक्स को मैं आधा काट लूँगा। तो दोस्तों, मैंने अब कार्डबोर्ड बॉक्स को काट के छोटा कर लिया। और दोस्तों, अगर आपके पास इस साइज का कार्डबोर्ड बॉक्स है तो आपको इसे काटने पीटने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे डायरेक्टली इसमें ले सकते हैं। अगर आपके पास उससे बड़ा बॉक्स है तो आपको उसे इस साइज से काट लेना है, आप चाहे तो इससे बड़ा भी काट सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको एक बड़े साइज़ की पन्नी चाहिए। और दोस्तों, बड़े साइज की पन्नी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो आपका कार्डबोर्ड बॉक्स था उसके अंदर ये पन्नी फिट आ जाए और थोड़ी बहुत बड़ी भी पड़ जाए। फिर दोस्तों, आपको बड़े साइज़ वाली पन्नी को कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर लगा देना, जैसे मैंने पन्नी को कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर लगाया है, उसी तरह आपको भी पन्नी को कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर लगा लेना है। और दोस्तों, आपको पूल को बनाने के लिए मोटी साइज़ की पन्नी यूज़ करनी है। अगर आप पतली साइज़ की पन्नी यूज़ करेंगे तो पन्नी आपकी फट जाएगी, और फिर जैसे सारा पानी होगा, सारा पानी बहने लगेगा, इसलिए आपको मोटी साइज़ की पन्नी यूज़ करनी है। और दोस्तों, मैं इसमें पानी डाल लूँगा, और दोस्तों मैं इस तरह से पानी डालूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसमें मोटर वाली पाइप से पानी भर लेता हूँ। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक पूल बिल्कुल फ्री में बना के दिखाऊंगा, तो दोस्तों मैंने इसे बिल्कुल फ्री में बना के दिखा। दोस्तों, मेरा इसमें एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और दोस्तों, अगर आपका गट्टा पन्नी पड़ा होगा तो आपका भी एक रुपया इसमें खर्च नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।